लर्न विद दुर्गा जून। हेलो ऑल, आज हम सीखेंगे भाषा से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भा 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 से भजन। भजन को अंग्रेजी में प्रेयर सॉन्ग कहते हैं। भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने को भजन कहते हैं। भा भा से भगवान। भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। इनका दूसरा नाम ईश्वर भी होता है। भा भा से भोजन। भोजन को अंग्रेजी में फूड कहते हैं। भा भा से भारत। भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हम भारत देश के वासी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, जरूर बताइएगा। भा भा से भाषण। भाषण को अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं। भा भा से भाषा। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। भा भा से भाला। भाला को अंग्रेजी में स्पीयर कहते हैं। यह एक योद्धा का औजार होता है। भा भा से भालू। भालू को अंग्रेजी में पियर कहते हैं। यह एक जंगली जानवर है। भा भा से भेड़िया। भेड़िया को अंग्रेजी में वुल्फ कहते हैं। यह भी एक जंगली जानवर है। भा भा से भैंस। भैंस को अंग्रेजी में बुफेलो कहते हैं। भैंस हमें दूध देती है। यह एक पालतू जानवर है। भा भा से भेड़। भेड़ को अंग्रेजी में शिप कहते हैं। यह एक पालतू जानवर है। इससे हमें ऊन प्राप्त होता है। भा भा से भिखारी। भिखारी को अंग्रेजी में बेगर कहते हैं। जिनके पास रहने खाने के लिए घर नहीं होता, वो भिखारी होते हैं। भा भा से भूत। भूत को अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं। भा भा से भूमि। भूमि को अंग्रेजी में लैंड कहते हैं। भूमि को हम धरती भी कहते हैं। भा भा से भुट्टा। भुट्टा को अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। भा भा से भूरा। भूरा को अंग्रेजी में ब्राउन कहते हैं। भूरा एक प्रकार का रंग होता है। भा भा से भुजा। भुजा को अंग्रेजी में आर्म कहते हैं। हाथ के ऊपरी भाग को भुजा कहते हैं। भा भा से भूख। भूख को अंग्रेजी में हंगर कहते हैं। जिसे बहुत तेज भूख लगी होती है, वह भूखा होता है। भा भा से
भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, जिस भूगोल में हम धरती के बारे में पढ़ते हैं। भा, भा से भिंडी, भिंडी को अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं, यह एक प्रकार की सब्जी होती है। भा, भा से भवन, भवन को अंग्रेजी में बिल्डिंग कहते हैं। भा, भा से भाई, भाई को अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं, ये अपने से छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं, ये एक ही माँ के बच्चे होते हैं। भा, भा से भाभी, भाभी को अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, जो अपने भाई के साथ शादी होके आती है वो भाभी होती है। भा, भा से भीड़, भीड़ को अंग्रेजी में क्राउड कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं वह भीड़ कहलाती है। भा, भा से भागना, भागना को अंग्रेजी में रनिंग कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये औरत भाग रही है। भा, भा से भौरा, भौरा को अंग्रेजी में बम्बल भी कहते हैं। भा, भा से भाव, भाव को अंग्रेजी में आईब्रो कहते हैं, आईब्रो हमारे आँख के जस्ट ऊपर होता है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।